तो हम चलते हैं मेरा ख्याल है नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ जो कि आखिरी हैं। तलहा अयूब 16 साल इनकी उम्र है और ये डिफेंस कॉलोनी सियालकोट से हमारे साथ मौजूद है। तो तलहा आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। हर तरफ लाशों के ढेर जमा हैं, जैसे ये दुनिया लाशों की शौकीन हो गई है। आंखें बंद करके देख रहा है तमाशा इंसान, जैसे इंसानियत जमी के अंदर सो गई है। जनाबे सदर, आज मुझे जिस मौजूए सुखन पर लब कुशाई करने का मौका मिला है, अगर उसे अल्फाज की माला में परो दिया जाए तो वो कुछ यूं बनता है, एहसास है तो इंसानियत है। जनाब अली वकार, मैं माशरे में नजर दोहराता हूं तो मुझे मालूम होता है कि एहसास है तो इंसानियत है। एहसास फकत किसी के दुख और दर्द को समझने का नाम नहीं, बल्कि दरअसल एहसास किसी के दुख और दर्द में शरीक होना है। जनाब अली वकार, एहसास इंसानियत है। ए बादल इतना बरस के नफरतें दुल जाएं, ए बादल इतना बरस के नफरतें दुल जाएं। इंसानियत तरस रही है मोहब्बत के सैलाब को। जनाब अली वकार, मैं ये दुख से कह रहा हूं कि इंसानियत हमारे माशरे में रोज बरोज खत्म होती जा रही है। इंसान अपनी जहालतों की वजह से इंसानियत का वजूद मिटाता जा रहा है। जनाब अली वकार, एहसास इंसानियत की कलीद है। एहसास इंसान को इंसानियत की तरफ ले जाता है। एहसास का एक अमल एक लहर का असर डाल सकता है जो दुनिया बदल सकता है। जनाब अली वकार, ये इतना ही आसान हो सकता है कि जितना कि किसी भूखे शख्स को खाना खिलाना, या ये इतना ही आसान हो सकता है कि ऐसे शख्स को कान देना जिसे सुनने की जरूरत हो। जनाब अली वकार, इंसानियत का ये अमल, छोटी छोटी हरकतें दुनिया पर गहरा असर डाल सकती हैं और इंसानियत पर ईमान की तजदीद कर सकती हैं। जनाबे वाला, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुराने मजीद में इरशाद फरमाया, जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। जनाब अली वकार, इंसानियत जो बुलंदियों पर चढ़ता तो गया, इंसान बुलंदियों पर तो चढ़ता गया मगर इंसानियत तक ना पहुंच सका। जनाब अली वकार, मैं अपनी बात इन अल्फाज पर समेटना चाहूंगा, खुद भूखा रहकर किसी को खिला कर तो देखो, खुद भूखा रहकर किसी को खिला कर तो देखो, यूं इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखो, यूं इंसानियत का फर्ज निभा कर तो देखो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जज़ाकुम माशाल्लाह। जनाब तलहा, आप यहाँ पे खड़े हो जाए। फिलहाल ये थे हमारे पास तलहा अयूब और काफ़ी पुरजोश तकरीर उनकी सुनने को मिली है। क्या कहेंगे जजेस? मजबूरी तौर पे अच्छी कोशिश की है तलहा आपने, लेकिन ऐसा लग रहा था, मुझे ऐसे लगे जैसे बड़ा मसनूई सा आपका ये अंदाज है और बनावटी सा अंदाज है, कोई कुदरती लबो लहजा नहीं है। बहरहाल फिर भी चूंकि अगर आपका अपना है तो हम इसकी कदर की निगाह से देखते हैं। तलहा, लब कुशाई लफ्ज है, लब खोलना। लब कुशाई चूंकि बजाते खुद ही ग्रामर के एतबार से फेल है, तो लब कुशाई करने का मौका नहीं मिलेगा। लब कुशाई का मौका, ठीक है, लब कुशाई की बात करने नहीं आएगा, वो जुमला आपका जो है वो मुबहम सा हो जाएगा। और दूसरी बात है कि जो लफ्ज बल्कि है ना, बल्कि के फौरी बात दरअसल नहीं आएगा, बल्कि की फौरी बात दरअसल नहीं आएगा। और ये लफ्ज है बरस, बरस नहीं, लफ्ज है बरस। और आपने कहा इंसानियत की जहालतों, तो जहालत ही काफी है, जहालतों को आप रहने दे तो अच्छा है। और जो आपने शुरू में अशार पढ़े हैं ना, उसका जो तीसरा मिसरा है वो बेवजन है। शुरू में जो आपने तमहीदी तौर पे अशार पढ़े, उसका तीसरा जो मिसरा है, आप वो हमारे ये सारब साहब शायर भी हैं, ये आपको बता भी देंगे, जो तीसरा मिसरा पढ़ा वो बिल्कुल ही बेवजन मिसरा था। बहरहाल कोशिश आपने मजबूरी तौर पर अच्छी की। जी साहब जी सर, जब तलहा साहब आए तो वो पंजाबी में कहते हैं दाबे मारना, मैं समझा दाबे मारना शुरू हो गए हैं तलहा साहब, ध्यान से सुनना चाहिए। बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश थी आपकी। इमरान साहब ने बताया बल्कि के बाद दरअसल नहीं आता, ठीक है, इन्होंने दुरुस्त फरमाया, लेकिन दरअसल नहीं होता, दरअसल होता है लफ्ज़, ठीक है, इसको दुरुस्त कीजिएगा। उसके बाद लफ्ज़ सलाब नहीं होता, सलाब, ये लफ्ज़ सिलाब होता है, ठीक है। और अगर इमरान साहब ना भी जिक्र करते तो मैं बिलाशुबा इसका जिक्र करता कि आपके अशार में वज़न की कमी थी, वज़न पे शेर नहीं थे आपके, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा कि आइंदा अगर आप तकरीर करें तो उसमें मुंतखब जो अशार होते हैं उनका इस्तेमाल लाजमी कीजिएगा। चलें जनाब, बहुत ज़बरदस्त। और यहाँ पे मैं इमरान भाई शुरू में जब मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज के भी कोई नंबर होते हैं, क्योंकि मैंने अक्सर देखा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज वो यूज़ तो कर रहे थे लेकिन वो बॉडी लैंग्वेज वो होती है जो आप कहना चाह रहे हैं वो आपके जो हाथ हैं वो उसकी अक्कासी करें, तो वो सिर्फ हाथ हिला देना। ज़ाहिर भाई जो कम्युनिकेशन है ना, हाँ। वो ज़ाहिर है ये बच्चे पढ़ते भी होंगे और हमारे जो देखने और सुनने वाले हैं वो भी जानते हैं कि आप एक कम्युनिकेशन है कि अपनी जुबान से आप कर रहे हैं, एक कम्युनिकेशन है जो आप अपने अंदाज से करते हैं, आपके जो चेहरे के तासुरात हैं, आपके हाथों के जो इशारात हैं वो भी सुनने वालों पर अपना बराबर जो है वो असर छोड़ते हैं। मुझे जितने भी ये लोग आए उनमें वो चीज नजर नहीं आई कि आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो आपके अल्फाज का साथ दे रही है। अब जब आप जो बात कर रहे हैं उसके साथ जब आपके अंदाज मिलते हैं तो बात उतनी ज्यादा पुरअसर हो जाती है। इस बारे में एक बड़ी मशहूर बात है, रवायत यही है कि क़ायदे आज़म रहमतुल्लाही ताला अलैह अपने तकरीर में बहुत बार इंग्लिश जो है वो इस्तेमाल किया करते थे और ज़ाहिर है उनके मुखातिब वो अंग्रेज लोग थे जो इस वक्त बर्रे सगीर पाक व हिंद पे काबज थे। कहा यह जाता है कि बाज़ुकात क़ायदे आज़म का जो अंदाज है, आपके जो इशारात हैं वो इस अंदाज में होते थे कि सामने जो सुनने वाले हैं वो अंग्रेजी जुबान से नाबलद और नाशना होते थे, लेकिन आपके अंदाज इस तरीके से होते थे कि सुनने वाले आपके अंदाज से बात को समझ आते थे। बिल्कुल ठीक। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि जहां पे आप वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं वहां पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में ये चीजें शामिल हैं कि आप किस तरीके से अपनी बात करते हुए आप अपने लबो लहजे के साथ अपने इशारात का इस्तेमाल करते हैं। तो बाहर कैफ जब हम देखते हैं तो इसमें भी नंबर आपके असर जो है असरअंदाज होते हैं।